फिल्टर करते हैं एक तरह से, उसके बाद सीधा ये ऐसे वह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। तो आप बोर्ड बहुत डिजाइनर तरीके से बना रहे हैं। पीछे यूनिवर्सिटी में बहुत सुंदर तस्वीर आप पीछे में। मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आज मुझे बहुत जल्दी हो रही है गाइस, क्योंकि मैं जा रहा हूं मेरठ, तो सीधा रास्ते में बात करूंगा। चलिए सीधा चलते हैं मेरठ। मैं घर से निकल चुका हूं। आई नो आज का इंट्रो बहुत जल्दी रहा था, बहुत तेज रहा था मेरा, बट यार बहुत जल्दी है क्योंकि कल रात मैं दिल्ली से आया था और सीधा आज मुझे मेरठ जाना पड़ रहा है। तो सीधा चलते हैं मेरठ और देखते हैं मेरठ। इससे पहले हम भराते हैं तेल गाड़ी में, क्योंकि यार कल भी गाड़ी चलाई थी तो काफी भूख गया था तेल। तो अभी तेल भरवा के आपसे बात करते हैं। चलिए गाइस, आज कौन है मेरे साथ? आज मम्मी मेरे साथ ट्रैवलिंग कर रही हैं। मम्मी के साथ ही जाना है, थोड़ा मम्मी का भी काम है और मेरा भी काम है मेरठ में। तो मम्मी से कुछ बात करते हैं। मम्मी कुछ बच्चों को गुड मॉर्निंग ब्लेसिंग तो दे दो यार। मेरी कॉल आ रही है। अच्छा, मम्मी की कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करते हैं। सामने दिख रहा होगा टोल आ चुका है, तो अभी टोल पार करके बात कराते हैं मम्मी से, क्योंकि मम्मी की आ गई थी कॉल। मम्मी का तो फोन पूरा कट चुका है, तो अब मम्मी जरा ब्लेसिंग दे दो यार हमारे चैनल को भी और हमारे सब्सक्राइबर्स को भी, बच्चों को भी। चलिए सबसे पहले तो मैं बहुत टाइम के बाद उन लोगों से मिल रही हूँ, के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और सभी बच्चे, युवा वर्ग के बच्चे हो, चाहे वो कॉलेज के हो, चाहे कोई भी हो, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, बहुत तरक्की करें, बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा। हम मेरठ पहुंचने वाले हैं और गाड़ी चल रही है लगभग 130-140, आपको दिखा रहा हूं, देखो। चलिए आगे बात करते हैं। गाइस, मैं मेरठ में हूं, अभी मैं थोड़ा सा वर्क करने वाला हूं, क्योंकि मेरे कुछ यहां फ्लैट्स पड़े हैं, तो उस फ्लैट्स के बारे में मैं आया हूं, थोड़ा मैं उनसे बात करता हूं अधिकारी से। तो मम्मी और मैं इसलिए आए हैं बेसिकली, थोड़ा सा हमारा काम था फ्लैट का, तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। फाइनली गाइज, अभी मम्मी कुछ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है जो हमें फ्लैट्स के बारे में करने आए थे हम। तो अभी आपने देख लिया भाई, अधिकारी खड़ा हो गया यार, और क्या चाहिए मम्मी को, मम्मी ने बहुत नाम कमाया है सच में। तो चलिए गाइज, अभी आगे चलते हैं और आपको फिर आगे की चीज़ दिखाते हैं, हम मेरठ क्यों आए हैं। चलिए, प्रोग्राम होते रहते हैं, बुलाइएगा कभी आएंगे, क्योंकि ऐसा मुझे तो बस आप लोगों का चाहिए, मेरी वही प्राइडी है। हमारा फ्लैट का काम पूरा हो चुका है यार। मम्मी कैसा लगा, मतलब उनका बिहेवियर कैसा था? सचिव साहब का मालिक होते हैं यार एमडी के, उसके बिहेवियर ऐसा लगा था जैसे जो मतलब वहाँ पे छोटी बहन गई है, उन्होंने मुझे इतना सम्मान किया भाई। सम्मान तो करते ही, वरना तुम्हारा सम्मान हो जाता है उसका। फ्रूट वगैरह खा के जाना, मैंने कहा भाई साहब बहुत जल्दी में हूँ, फिर खाती हूँ, और अभी भी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाकी बातें बाद में होती रहे। चलिए गाइस, अब आगे मिलते हैं और देखते रहे द ट्रैवलिंग बीस्ट। अब मेरे को CCS यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा काम था अपना ही, तो चलते हैं सीधा CCS यूनिवर्सिटी, उसके बाद बात करते हैं। तो भैया यहाँ पर भी देख लो, अधिकारी सीधा गाड़ी में ही आ गया है, मम्मी ने सीधा बुला लिया है आगे। CCS यूनिवर्सिटी में बहुत सुंदर तस्वीर आप पीछे मेरे दिख रही होगी आपको, मैं वैसे भी दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैं अभी कुलपति जी के ऑफिस में हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है, फिर आप आके बात करेंगे। चलिए, हमारा काम खत्म हो चुका है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से, तो आप सीधा आगे को प्रस्थान करेंगे। कैसा लगा आपको यूनिवर्सिटी, कैसी है? चलिए, वो क्या कर रही है बेचारी, इतनी सीधी है, अमरूद काट के इससे, अब यहाँ बेचारी साड़ी सही कर रही है। हम तो खा रहे हैं अमरूद क्योंकि हमें लग रही थी भूख, और यहाँ का खाना पता नहीं कैसा है, तो अभी अमरूद खा के बात करते हैं। लग रही है भूख, हम कुछ थोड़ा सा और खाते हैं। मैं अभी एक बेकरी में घुसा हूँ और यहाँ पे पेटीज बहुत अच्छी लग रही है, तो पेटीज लेते हैं। बहुत सारी पेटीज के ऑप्शन हैं, देखते हैं कौन सी लेता हूँ मैं। ठीक है, बटर पेटी ऑर्डर कर दिया, आप क्या दोगी? केक खाऊंगी, मुझे केक खाना है भाई, बड़े सुंदर है केक, देखो अच्छा भाई, केक तो खाएंगे, पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं बटर पेटीज। गाइस मेरी भी पेटी जा चुकी है, तो अब मैं पेटीज खाकर आपसे बात करूंगा, उससे पहले मम्मी और मैं पेटीज खा रहे हैं। कैसी लग रही है? सब अच्छा है ना? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी सब है यार, अभी मैं अपनी वाली खाऊंगा फिर बताऊंगा। डन हो चुका है हमारा, अभी से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं आगे। गाइस अब हम निकल रहे हैं मेरठ से बाहर, क्योंकि हमारा काम जो था, हम जिससे मिलने आए थे, तो मैं मिल चुका हूँ। ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं ही खुद भूल गया यार आज, बहुत सारी चीजें याद रखता हूँ। बाद में बनाएंगे, अब स्किप करो उसको, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चलो चलो भाई आगे चलते हैं। सामने आपको कोहरा दिख ही रहा है, तो मैं जैसा कि अब वापस जा रहा हूँ घर, और भाई सामने कोहरा आपको दिख रहा है ना यार, आज का पूरा दिन जो था ना हमारा पूरा बिजी वाला था, तो थक गए हम काफी, तो सीधा अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं और सीधे चलते हैं अपने घर। जाने से पहले हम रुक गए हैं, जो हमारे बचपन की यादें थी वो है कलेशर पर, तो अभी कलेशर क्या होता है आपको बताते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। ये है गुड़, आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, बताइए।
और डिजाइनर तरीके से बना रहे हैं इसको, गर्म करके देखो। जब हम बचपन में थे ना, जब हम देखते थे दादाजी के, जब मैं छोटी सी 8 साल की रही होंगी, उस समय हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। ये जो है मतलब एक तरह से बिल्कुल मसाला डाल देते हैं, लाल हो जाता है मतलब कलर, सॉरी कलर डालते हैं। बचपन की कुछ यादें थी तो हम एकदम से रुके, और पीछे आपको दिख ही रहा है इसका जो चल रहा है पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस है। और ये है वो गुड़, ये मार्केट की डिमांड है। अच्छा, ये मार्केट की डिमांड है, असली गुड़ तो ऐसा नहीं होता ना वैसे, असली गुड़ तो सिंपल होता है। अच्छा, असली गुड़ अलग होता है। तो गाइज आपको दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली गाइज, इनसे मैं गुड़ की प्रोसेसिंग पूछ रहा था और हम रुक गए हैं मेरठ से सीधा, एक कलेसर पड़ता है मेरठ रोड पर, और काफी अच्छा लगा था मुझे तो मैं तुरंत रुक गया। कैसा बनता है, क्या क्या प्रोसेसिंग है इनकी, ये तीनों में जल्दी बताओ। वो उधर से रसाता है, पूरा प्रोसेस जो है ना काफी 3-4 चीजों में है, क्योंकि उसे बहुत तरह से फिल्टर करते हैं एक तरह से, उसके बाद सीधा ये ऐसे ग्रिप बनता और देन उसके बाद ये सीधा ऐसे पैकिंग में चला जाता, पैकिंग हो जाती होगी। चलिए गाइस, अभी आगे चलते हैं और सीधा देखते रहे द ट्रैवलिंग बीस, और बने रहे चैनल पे। चलिए, मेरी चलने की तैयारी हो गई, सबने एक पेटी मुझे दे दिया, मैं लेके जाऊंगी ले जाऊँ इसे ही खाओगी, मैं इसलिए लेके नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, लास्ट एंड लास्ट पानी के गोलगप्पे खाकर अपना डन करते हैं आज का खाना। तो फाइनली गाइस, जैसा कि मैं मेरठ से लौट रहा था, लौटने के बाद मैं यहाँ रुक गया हूँ भूर चौराया। बुलंद शहर में मैं आगमन कर चुका हूँ, भूर चौराहा पर रुक चुका हूँ, और भूर चौराहा का सबसे नंबर वन ढाबा जो आपको अपने आप दिखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा है, वो है नेताजी का फैमिली ढाबा। आपको दिख रहा है ना ऊपर, तो ये हमारे मित्र हैं, जैसा कि ये नेताजी हैं, अब इनके हम चाय पियेंगे, वो भी कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है बाप। तो सीधा चलते हैं अंदर, आपको चाय। गाइस मैं रुका हूँ फैमिली ढाबे पर, अभी आके चलते हैं नेताजी के पास, अब चाय पियेंगे राजा और मैं। इनका देखो ढाबा ये है, आपको सब लाइटिंग वाइटिंग दिख रही है ना यार, मतलब कुछ इन्होंने अलग ही उद्यम कर दिया है बुलंद शहर में। हालांकि मुझे बहुत सारे ढाबे हैं, मगर इन्होंने कुछ अलग ही कर दिया है। लाइट भी है, मिरर दिख रहा है, और आपको पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है, बहुत हाइजीनिक है, साफ सुथरा है, आपको टेबल दिख रही होगी साफ सुथरी है। तो गाइस अभी इनके यहाँ चाय पियेंगे, आपको फिर वहाँ इंट्रोड्यूस कराऊंगा नेताजी से, नेताजी ने कैसे क्या करा। तो गाइस फाइनली ये आ चुकी है नेताजी की स्पेशल चाय, जो भी कुल्लड़ वाली, आपको दिख रहा है ना कुल्लड़, और ये बैठे सामने नेताजी हमारे, हाई भी कर रहे हैं, व्यूअर्स को हाई कर दो नेताजी। तो देखो यार इनकी तरफ से कितना अच्छा प्यार मिला है, जो हालांकि मुझसे गिर चुका है थोड़ा सा। तो अभी चाय पी के आपसे बात करेंगे और नेताजी से भी कुछ बात करेंगे चाय पे चर्चा। तो फाइनली गाइस ये चाय हम पी रहे हैं राजा और मैं, राजा चेयर्स करते हैं पहले तो चाय का। तो गाइस ये बहुत स्पेशल चाय है, कुल्लड़ वाली चाय, जो नेताजी के यहाँ बहुत स्पेशल मिलती है। और मैं एक बात आपको बताना भूल गया, इस ढाबे को 12 साल हो गए ना नेताजी, 12 साल से ये ढाबा चल रहा है। और भाई इस आदमी की मैं तारीफ करूंगा, कोई गरीब आता है जो इसे जरूरतमंद लगता है या कुछ लगता है तो नौकरी पे भी रख लेते हैं, अदरवाइज उन्हें खाने के लिए मदद कराते हैं, मतलब इन्होंने कोरोना टाइम में भी बहुत मदद करी थी अपने खाने के लिए। तुझे तो याद होगा, तूने तो खूब बांटा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हमने लोगों की हेल्प करी थी, जो लोग परेशान थे उनकी हमने पूरी तरह से हेल्प करी थी, और बहुत ही ये अच्छे दिल के आदमी। तो नेताजी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपके ढाबे का एड्रेस थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बता दे तो अच्छा रहेगा प्लीज नेताजी को। चौराहा दिल्ली रोड बुलंद शहर। अच्छा, भूड़ चौराहा दिल्ली रोड बुलंद शहर पे, नेताजी का नाम ले लो आप बुलंद शहर में कहीं पे भी तो ढाबा आपको वहां मिलेगा। तो कृपया करके नेताजी के ढाबे पे आए और कैमरा मैन मेरी तरफ फोकस करें, जब होगा चलिए। तो गाइज अब सोने का वक्त हो गया है, रात के बज रहे हैं 11:30, और अभी हम सोएंगे उसके बाद आपसे बात करेंगे। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दें और इसे बढ़ दें। जब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अगली जगह, चलिए।